दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे विंग कॉइन, विंग फिनांस कॉइन की प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली इसकी प्राइस 19 USDT से ऊपर देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड करंटली इसकी प्राइस में देखने को मिल रहा है। कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसकी प्राइस में 400% से ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला है। 6.8 USDT वाले एरिया से इसने ऑलमोस्ट 29 USDT वाले एरिया को टच किया और करंटली 20 USDT से ऊपर ट्रेड कर रहा। थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट है, प्रीवियसली भी इस कॉइन के अंदर अच्छा मूवमेंट हुआ था और अच्छी रिकवरी इस कॉइन के अंदर देखने को मिल रही है। आपने अगर इस कॉइन के अंदर एंट्री ली है तो आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे? एज अ ट्रेडर जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके लिए सेल टारगेट क्या रहेंगे? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर। आज के अगर मार्केट की बात करें तो ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, बिटकॉइन, इथेरियम, सारे कॉइन्स के अंदर अच्छा पंप हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो 10% ज़्यादा का क्विक पंप देखने को मिला है और दूसरे जो कॉइन्स है सारे कॉइन्स में 10-12-15-20% तक का एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो जिन लोगों को पोर्टफोलियो एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड 50-60% डाउन था, फिर जो भी लॉस में चल रहे थे, आज और कल एक अच्छी होप नज़र आई है। कल से जो FOMC की मीटिंग थी और वहाँ से जो इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया 0.75 पॉइंट्स हैं, उसके बाद से ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में जो हाइक देखने को मिली, जो स्पाइक देखने को मिली है, वो एक अच्छी खासी होप, एक उम्मीद नज़र आ रही है जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, जिनको बिल्कुल यहाँ पर फियर का बहुत ज़्यादा फियर का माहौल चल रहा था। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स की बात करें तो 10 से नीचे चला गया था, करेंटली एक अच्छे एरिया पर है। थोड़ा सेटिस्फेक्शन देखने को मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर कर रहा है। हालांकि ये नहीं है कि बुल मार्केट आ गया, मूवमेंट हुआ, अच्छा मूवमेंट हुआ है, अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो 10% का अपट्रेंड बहुत बड़ी बात है। 24,000 को ऑलमोस्ट टच किया है और अच्छे एरिया पर 2 दिन से लगातार अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात करिए डेली के अंदर बात करें तो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल डायरेक्ट स्पाइक देखने को मिली और 29-30 USDT को इसने टच किया। प्रीवियसली भी इसने एक अच्छा पंप लिया था और 4 USDT से इसने ऑलमोस्ट 12 USDT वाला एरिया टच किया था। 200% का क्विक पंप इसकी प्राइस देखने को मिला था। अब यहाँ पर टारगेट की अगर बात करें तो देखिए, अच्छा मूवमेंट है, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपने अगर अंडर 10 USDT भी इस कॉइन के अंदर मूवमेंट जो हो रहा था, ब्रेकआउट जो हो रहा था, उसके अंदर भी एंट्री अगर आपने ले ली है, बढ़ते हुए कॉइन के अंदर भी एंट्री ले ली है, तो अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। और प्रीवियसली अगर आपने एंट्री ली थी 5-6 USDT तो भी आपको अच्छा खासा 200-300% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जो करेंट एरिया है जहाँ पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है 20 USDT से ऊपर, यहाँ पर सेल आउट करें और प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर सेफ हो जाएं, क्योंकि अच्छा मूवमेंट है मार्केट के अंदर और एक अच्छी प्रीवियसली बहुत टाइम से मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ये कॉइन भी अपॉर्चुनिटी दे रहा था। इससे रिलेटेड वीडियो हमने शेयर किए और भी जितने भी कॉइन्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, जो अच्छे कॉइन हैं जो जल्दी रिकवर करते हैं, जिनमें एक अच्छी स्पाइक रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलती है, ऐसे कॉइन्स हम रेगुलर बेसिस पर आपको शेयर कर रहे थे। चाहे आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लिए हो या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, लेकिन लगातार हमने आपको वीडियो शेयर किए, एंट्री पॉइंट शेयर किए और जिन कॉइन्स में अच्छी स्पाइक हुई है उनके टारगेट्स भी हमने शेयर किए। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को फॉलो करके रखा है पिछले 2 महीने से 3 महीने से 1 महीने से या जितने भी टाइम से, उनको एक अच्छा प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रहा होगा। और अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में और भी, क्योंकि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहता है, फिर 2-4 दिन 1 महीने के लिए नहीं रहता। मार्केट में अगर आपको रहना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप एक बार दो बार प्रॉफिट अर्न करके फिर ऊपर की तरफ ट्रेप हो जाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, लर्निंग वगैरह नहीं है, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, स्किल वगैरह होना चाहिए, आपको लगातार बने रहना, लगातार मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालना है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप सेल आउट करें और सेफ हो जाए, क्योंकि इसमें अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा और प्राइस वापस हमें अंडर 10 USDT देखने को मिल जाएगी। हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाले वो जरूर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो भी देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली भी वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि चाहे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एंट्री लिया, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, देखिए एज अ ट्रेडर तो एक अच्छा एरिया से ऊपर एक कॉइन ट्रेड कर रहा है, आप तो सेल आउट करें, शॉर्ट टर्म वाले वो भी सेल आउट करें। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जिन लोगों ने एंट्री लिया, अगर आपने 5-6-4 जहाँ भी एंट्री लिया, आपका टारगेट 1 ईयर का हमारा मिनिमम टारगेट रहता है क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर, कि कोई जो अच्छा कॉइन है जिसका प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा है वो हमें 8-10x का प्रॉफिट देकर चला जाए मिनिमम 1 ईयर में। अब यहाँ पर अगर आपने 4 USDT पर एंट्री ली है
20 से ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, मिनिमम आपको आपको 400% से ज़्यादा का प्रॉफिट करेंटली ये कॉइन दे रहा है। और यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस वापस 8-10 के अराउंड स्टेबल रहेगी, प्राइस यहाँ से यहाँ नॉर्मली आ जाएगी। 9.4 इसको सपोर्ट एरिया है, उससे ऊपर 11.1 है, वो करेंट जो सपोर्ट एरिया वो ऑलमोस्ट 16.5 से लेके 16.5 है, और अगर ये 20 से ऊपर है तो 20.6 है, लेकिन 11 और 9 के बीच में ये कॉइन आपको दो दिन बाद ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तीन दिन बाद ज़्यादा ज़्यादा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म वाले जो देखिए शॉर्ट टर्म और एज अ ट्रेडर जिन लोगों ने एंट्री ली वो तो सेल आउट करें, लॉन्ग टर्म वाले जो है वो अपना 20 से लेके या फिर 25% जो टोकन है वो सेल आउट कर दें। आप सेल आउट करेंगे 20% अगर आप टोकन सेल आउट करते हैं आपको प्रॉफिट आ रहा 400% का। मान लीजिए आपने 20 USDT इन्वेस्ट किए हैं, आपको मिलेंगे 100 USDT, फिर वो जो 100 USDT है वो आप प्रॉफिट बुक करके सेफ हो जाए, प्राइस नीचे आएगी 9-10-11 के अराउंड में स्टेबल रहेगी, आपकी एंट्री 4 USDT के अराउंड। अगर आप 9 USDT के अराउंड में भी उस 20 USDT से एंट्री लेते हैं तो भी आपको बहुत प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी, बाकी नई एंट्री नहीं लेनी। जो भी यहाँ पर करेंटली वॉच कर रही है वीडियो या फिर करेंट जो मार्केट के अंदर देख रहे हैं, नई एंट्री किसी को भी इस कॉइन के अंदर किसी भी कॉइन के अंदर करेंटली अभी नहीं लेनी है। कुछ कॉइन्स हैं जिनमें स्पाइक नहीं हुई है, मैं वो वीडियोस आपको शेयर कर दूँगा, या तो आज नहीं हो पाएंगे, कल सुबह आपको शेयर कर दूँगा। कुछ कॉइन्स हैं जिनमें स्पाइक नहीं हुए और अपोस्टी अभी दे रहे हैं, तो वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगा, उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं और फिर आपके कमेंट आते हैं तो फिर थोड़ा सा क्या मन में ऐसा रहता कि हम इतनी बार आपको बताते फिर भी आपको समझ में नहीं आती, और फिर जो बुरे शब्द हैं वो भी कभी कभी निकल जाते हैं मन में ऐसे ही, मतलब जब कमेंट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब मजाक वाली बात है यार, भाई समझ नहीं रहा यार, क्या कितनी बार समझाना पड़ता है यार तुम लोगों को, और मन नहीं मानता। ये याद रखना, कोई बढ़ता कॉइन है, कोई कॉइन बढ़ता है, इस टाइप की स्पाइक है लगातार बढ़ रहा, हम प्राइस यहाँ पर गई 18 USDT, प्राइस में थोड़ा करेक्शन 15, बस यहाँ पर एंट्री ले ले, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, इस टाइप की चीज़ें ट्रैप हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करें, जिन लोगों ने 12-14 पर भी बाई किया वो भी सेल आउट करके सेफ हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद का रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप की रेगुलर अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलते रहें। थैंक यू।